डिब्बी को शिफ्ट करना और इंस्टॉल करना। अब हम डिब्बी को दूसरी जगह शिफ्ट करने और इंस्टॉल करने की प्रक्रिया को समझते हैं। इस प्रक्रिया में पहले SFU यूनिट की मदद से अस्थाई पैनल का स्विच बंद कर इसे मेन बिजली सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर लें। अब इस पैनल से जुड़े इनिशियल डिब्बी का स्विच भी बंद करें। ध्यान रखें कि डिब्बी के पूरे लोड का डिस्कनेक्शन सही ढंग से हुआ हो। इसके बाद SFU को अस्थाई पैनल से जोड़ें ताकि अस्थाई पैनल मेन सप्लाई लाइन से कनेक्ट हो जाए। ध्यान रखें कि अस्थाई पैनल में जुड़े बस बार की अलग अलग फीडर लाइन हो, जो कि डिब्बी से जुड़ी होनी चाहिए। अंत में बस बार से जुड़े स्विच के जरिए उन सभी फीडर लाइन का स्विच ऑन करें जो दूसरे डिब्बी में जुड़े हुए हैं। इस तरह से अस्थाई पैनल में नए डिब्बी के जरिए बिजली सप्लाई शुरू कर सकते हैं।